देखिए, ये जो भूख हड़ताली कैंप है, ये एक अभी तो टोकन है, ये पूरे पाकिस्तान में फैलेगा और इसका दुरानिया भी अब बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी तो ये ट्रेलर है। अब इसके प्रॉपर इसको करके पूरे पाकिस्तान में ये जाएगा और इसका दुरानिया भी बढ़ेगा। ये एक बेहतरीन मेथड है रजिस्टर करने का अपनी प्रोटेस्ट एहतजाज, इमरान खान की ना हक गिरफ्तारी, बुशरा बीबी की ना हक गिरफ्तारी और तमाम बाकी जितने लोग हैं, हमारे लीडर्स, हमारे कारकुन जिन्हें ना हक कैद में रखा हुआ है, उनकी रिहाई के हक में ये एहतजाज है और ये बढ़ेगा। 96 में इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की बुनियाद डाली और वो दिन और आज का दिन हमेशा पूरा मैंने एहतजाज किया है और ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि फैल जाएगा पूरे पाकिस्तान में। ये बनाना रिपब्लिक बन गई, यानी कि कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है, अदालतों के फैसले नहीं माने जाते, तो इस तरह तो जो है महज़ब कौमें चल ही नहीं सकती, कोई माशरा चल ही नहीं सकता। जिस तरह हज़रत अली का कॉल है कि कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है, जुल्म और जबर का निज़ाम नहीं चल सकता, तो इसलिए हमारी तमाम तर जद्दोजहद है क्या, तहरीक इंसाफ, इंसाफ के लिए तहरीक, ये इमरान खान ने इसी मकसद के लिए इसकी बुनियाद डाली है और वो जद्दोजहद जारी रखेगी जब तक इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम कायम नहीं होता। इंसाफ का निज़ाम, हक का निज़ाम और अल्लाह का कुरान पाक में हुक्म है कि अदल अदल कायम करो ज़मीन पर।